हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त जो आप वीडियो में लोकेशन देख रहे हो, ये ESP के 12 मीटर का एलिवेशन है और इस वक्त मैं पास ए एंड बी के बीच में खड़ा हूँ। ये दोनों साइड में CRM की मोटर लगी हुई है बिल्कुल लाइन से। ये जो आप नीले कलर के सारे देख रहे हो, ये CRM की मोटर है और जो ऑलवेज़ आपको ESP के 12 मीटर के एलिवेशन पर देखने को मिलेगी। आज मैं ESP फील्ड का इंस्पेक्शन करने वाला हूं, इसलिए मैं इस लोकेशन पर आया हूं। जैसा कि मुझे बताया गया है, पास बी में दो फील्ड पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ESP इंटरनल में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, या ये कहें कि जो भी मटेरियल इंस्टॉल होता है, वो सब बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। 1B1 एंड 1B2, ये जो आप देख रहे हो, ये पास बी है और इसी के 1B1 एंड 1B2 में हमें इंस्पेक्शन करना है। अभी मैं थोड़ी देर में ESP फील्ड के इंटरनल एरिया में जाऊंगा मैन होल के थ्रू। सामने की तरफ में कुछ बंदे खड़े हुए हैं, वहीं पर एक मैन होल है 1B1 एंड 1B2 का। उसी मैन होल के थ्रू मैं ESP इंटरनल एरिया में जाऊँगा और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा, किस तरह से ESP इंटरनल की चीज़ें जो हैं वो डैमेज हुई हैं और डैमेज होने के बाद ESP इंटरनल का एरिया किस तरह से दिखाई देता है, वो सब कुछ आप लाइव देखोगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज़, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में साइट विज़िट के लिए आया हूँ, जैसा कि मुझे बताया गया है, यहाँ पर टोटल 4 फील्ड डैमेज हैं, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 दोनों को मिलाकर। यूनिट 7 में पास बी की 1B1 फील्ड डैमेज है, आई थिंक 50%, जैसा कि मुझे बताया गया है। उसके अलावा यूनिट 8 में जो इस वक्त आप देख रहे हो, ये यूनिट 8 की ESP का पास बी है और इधर ये पास ए है। तो यूनिट 8 में 3 फील्ड हैं टोटल डैमेज, पास बी में 2 फील्ड 1B1 1B2 और पास सी में 1C1। टोटल 3 फील्ड हो गई यूनिट 8 में और एक फील्ड यूनिट 7 में। तो टोटल 4 फील्ड डैमेज हैं यूनिट 7 एंड 8 दोनों में मिलाकर। इस वक्त मैं जो इंस्पेक्शन करने वाला हूं, वो यूनिट 8 की पास बी है जिसका फील्ड नंबर है 1B1 एंड 1B2। ESP इंटरनल में आप तीन तरीके से जा सकते हो अंदर की साइड में। सबसे पहले तो हॉपर के साइड से, नीचे की साइड में हॉपर होता है 3 मीटर के एलिवेशन पे, जहाँ पर एक मैन होल बना होता है, उसके थ्रू आप ESP इंटरनल में जा सकते हो ओनली इन हॉपर्स। वहाँ से आप 12 मीटर के एलिवेशन पर नहीं पहुँच सकते। अगर आपको हॉपर का इंस्पेक्शन करना है तो 3 मीटर के एलिवेशन पर एक मैन होल बना होता है, उसके थ्रू आप हॉपर के अंदर जा सकते हो हॉपर का इंस्पेक्शन करने के लिए, वो भी ESP इंटरनल के अंदर में ही आता है। दूसरा, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो इस वक्त 12 मीटर का एलिवेशन, यहाँ से मेनली सारे लोग जाते हैं ESP इंटरनल एरिया में। ये सारे मैन होल हैं जो इस वक्त आप देख रहे हो, इस तरह के मैन होल सभी फील्ड के बाजू में बने होते हैं। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये पास बी का है और हमेशा इसमें 2 फील्डें होती हैं कंटिन्यू। ये मैन होल 1B1, 2B1, 3B1, 4B1 इस तरह से आएगा, 5B1, 6B1, 7B1, 8B1, 9B1 जितनी फील्डें होंगी एंड तक, इसके जस्ट बाजू में इसकी दूसरी फील्ड आ जाएगी। जैसे सपोज मान लो, अगर ये 3B1 है तो इसके बाजू में 3B2 फील्ड हो जाएगी। तो एक इसका मैन होल इसके जस्ट अपोजिट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले से, शायद दिखे, वो जो आप देख रहे हो जहाँ से रोशनी आ रही है, वो भी मैन होल है और वो इसके जस्ट बाजू वाली फील्ड का मैन होल है। मतलब बंदा इस साइड से भी ESP इंटरनल के अंदर जा सकता है और उस वाले मैन होल से उस वाले फील्ड में आ सकता है। तो अगर ये 3 नंबर की फील्ड है तो ये 3B1, और उधर वाले मैन होल से आएंगे तो हम 3B2 में एंटर कर जाएंगे। इन सब के अलावा एक रास्ता और है जहाँ से ESP इंटरनल के अंदर तक लोग जाते हैं, और वो है ESP का टॉप एलिवेशन, जहाँ पर आउटर रूफ के ऊपर में मैन होल बने होते हैं और उसके जस्ट नीचे इनर रूफ लगा होता है, उसमें भी एक मैन होल होता है। मतलब आपको अगर टॉप एलिवेशन पर जाकर सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करना है, स्पेशली जो टॉप पोजीशन में चीज़ें लगी होती हैं, लाइक कलेक्टिंग फ्रेम, एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का, उसके अलावा एमिटिंग मोटर के जो भी सिस्टम होते हैं रैपिंग मैकेनिज्म वाले, उन सबको अगर चेक करना है तो मोस्टली जो बंदे हैं वो ESP के टॉप एलिवेशन से मैन होल के थ्रू अंदर की साइड में जाते हैं ESP इंटरनल एरिया में। ये सारी CRM मोटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑलवेज़ आपको 12 मीटर के एलिवेशन पर देखने को मिलेगी। और एक होती है ERM मोटर, जो ऑलवेज़ ESP के टॉप एलिवेशन पर लगी होती है वर्टिकल शेप में। इस तरफ में देखो गाइज, ये जितनी भी CRM मोटरें आप लगी हुई देख रहे हो, ये ऑलवेज़ आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखने को मिलेंगी,
और इसके ठीक अपोजिट जो ERM मोटर होती है ESP के टॉप पोजीशन पर, वो आपको ऑलवेज वर्टिकल पोजीशन में देखने को मिलेंगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये CRM मोटर क्या है और ERM मोटर क्या है, इन दोनों का नाम अलग क्यों है, इसका क्या काम है? तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। CRM इसे इसलिए कहा गया है बिकॉज इससे पूरा का पूरा कलेक्टिंग रैपिंग मैकेनिज्म सिस्टम काम करता है ESP इंटरनल के अंदर। उसके अलावा ERM मोटर का नाम इसलिए ERM है बिकॉज ESP इंटरनल में एमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म सिस्टम जो लगा होता है वो काम करता है ERM मोटर के थ्रू। मतलब उन सारी चीज़ों को रोटेट ERM मोटर ही करता है, और जो कलेक्टिंग रैपिंग मैकेनिज्म लगा होता है ESP इंटरनल में, वो सारी चीज़ें रोटेट होती हैं इन मोटरों के थ्रू। इसलिए CRM और ERM नाम दिया गया है दोनों मोटरों का। इन सब के अलावा एक बात और बता दूं गाइस, ये पूरा का पूरा मोटर नहीं है। मैंने कह दिया ये CRM मोटर है, ठीक है, ये बहुत हद तक सही है बिकॉज इसे CRM मोटर ही कहा जाता है, पर इसमें तीन अलग अलग चीज़ें कनेक्ट हैं। वो अलग अलग चीज़ों का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ESP इंटरनल में लगे हुए CRM सिस्टम से कनेक्ट है, इसलिए इसे लोग CRM मोटर के नाम से ही जानते हैं। अब मोटर तो मोटर होती है, उसे जिस चीज़ के साथ कनेक्ट कर दो वो उसी के नाम से फेमस हो जाती है। अब इसमें तीन अलग अलग चीज़ें कनेक्ट हैं। ये पूरा जो आप लेंथ देख रहे हो ना, ये CRM मोटर नहीं है। मोटर तो छोटी सी है जो इस वाले से कवर है, ये जो कवर ऊपर में देख रहे हो ना, इस कवर से वो मोटर कवर है ताकि पानी से ख़राब ना हो। बाकी ये जो पूरी लेंथ देख रहे हो, इसे CRM मोटर नहीं कहा जाता, ये गियर बॉक्स कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा गियर बॉक्स है जिसमें पूरा का पूरा रोटेशन सिस्टम काम करता है मोटर के थ्रू। मोटर इसके अंदर जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है रोटेशन सिस्टम वाला, उसे रोटेट करती है। अब उसके बाद यहाँ से ये अलग डिवाइड हो जाता है, ये कपलिंग कहलाता है, मेल एंड फीमेल। ये मेल कपलिंग, उसके अंदर में फीमेल कपलिंग, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। ये फीमेल कपलिंग जो देख रहे हो, ये ESP इंटरनल में लगे हुए CRM सिस्टम से कनेक्ट होती है। इन शॉर्ट जो शाफ्ट लगा होता है ESP इंटरनल में CRM सिस्टम में, तो वो शाफ्ट कनेक्ट होता है ये फीमेल वाले कपलिंग से, और ये फीमेल कपलिंग कनेक्ट हो जाती है इस कपलिंग से, और ये कपलिंग कनेक्ट है ये गियर बॉक्स से, और ये गियर बॉक्स कनेक्ट है मोटर से। इस कवर के अंदर में मोटर है, यहाँ पर देखो उसका कनेक्शन भी है, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो मोटर जो है इसको रोटेट करता है, और ये गियर बॉक्स के थ्रू ये पूरा का पूरा अंदर का सिस्टम रोटेट होता है ये कपलिंग के थ्रू। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन, ये CRM मोटर कहलाता है। मेनली मोटर छोटी सी है जो इससे कवर है, उसके अलावा गियर बॉक्स और कपलिंग, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये पूरा मिलके CRM सिस्टम को रोटेट करता है, ESP इंटरनल में लगे हुए CRM सिस्टम को। और ठीक ऐसा ही फंडा होता है ERM मोटर का, वो ESP के टॉप एलिवेशन पर लगी होती है वर्टिकल पोजीशन में। जब मैं कभी ESP के टॉप पोजीशन पर जाऊंगा तब आपको उसका फंडा समझाऊंगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, उसका भी काम सेम होता है ठीक इसी तरह से। उसमें भी मोटर लगी होती है, गियर बॉक्स लगा होता है, उसके अलावा कपलिंग लगी होती है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी ESP की वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने मोटर से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की है। बाहर की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, अब मैं आपको ESP इंटरनल के अंदर लेकर चलता हूँ, किस तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है ESP इंटरनल का, जो डैमेज हो चुका है वो कितना डैमेज हो चुका है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो उसे किस तरह से रिमूव किया जाएगा, ये सब कुछ आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ। सो वीडियो में बने रहो और इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके।